हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 करेंगे, विच इज मोशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रेस्ट एंड मोशन के बारे में। उसके अलावा हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे जो हम मोशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वो आपके पास 5 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड स्पीड, फोर्थ इज वेलोसिटी एंड नंबर 5 इज एक्सेलरेशन। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी एक्चुअल पाथ या जो लेंथ होती है किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करी। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसे स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि कोई वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर या 20 किलोमीटर, तो इसमें हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती, तो उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करते ही करते हैं, तो इट कांट बी जीरो। थर्ड पॉइंट इज SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर डिस्टेंस की मेजरमेंट की बात करें तो वो हमारे पास किलोमीटर्स भी हो सकते हैं, माइल्स भी हो सकते हैं, तो नॉट नेसेसरी कि सिर्फ मीटर में ही आपका डिस्टेंस काउंट होता है। सो अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये मैंने एक चार्ट बना रखा है ग्राफ पेपर टाइप में, जिसमें आपको डायरेक्शंस दिखाई दे रही होंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डायरेक्शन का यूज नहीं होता है। सो अब इसमें देखिए, जीरो से लेके 8 तक आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसमें 0 से 8 तक कुछ पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसमें देखिए, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 1, 1 का है, यानी कि सिंगल सिंगल डिस्टेंस के बाद में आपका नेक्स्ट नंबर है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क करे हैं, ए बी सी एंड डी। अब डिस्टेंस को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पे है। ए उसका इनिशियल पॉइंट हो गया। इनिशियल का मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया। तो कोई चीज ए से चलकर लास्ट डी तक आती है। डी उसका फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मतलब हो गया उसकी डेस्टिनेशन। सो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ए से लेके डी तक आने में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप उसको बोल सकते हैं कि 8 किलोमीटर उसने कवर किए। आप मीटर में भी बोल सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 0 से 8 तक वो आया, तो इट मींस बीच में आपके 7 नंबर्स रह गए, जिसमें 1, 1 का डिफरेंस था, तो हम ये बोलेंगे कि 8 किलोमीटर उसने कवर करे। अब डिस्टेंस का एक और एग्जाम्पल देखिए। सपोज यहां से 0 से स्टार्ट, इट मींस कि ए से स्टार्ट करके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट डी पर वो आते हैं, और उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट ने दोबारा से अपनी डिस्टेंस स्टार्ट करा, तो डी से लेके उसने आके यहाँ पे रुके ऑब्जेक्ट बी पे, यहाँ पे बी पे उनकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आप कैसे काउंट करेंगे, यहाँ ए से लेके पहले डी तक, तो टोटल कितने हुए, 8। फिर वापिस इस साइड पर आने के ऊपर तो 1, 2, 3 और 4, तो 8 में आप 4 को प्लस कर देंगे, तो इस तरीके से आपका इसका टोटल डिस्टेंस आ गया, विच इज 12 किलोमीटर। ये एग्जाम्पल था आपका डिस्टेंस का, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती तो हमने डायरेक्शन की बात नहीं करी। अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो उसका सिंबल डेल्टा एस होता है। ये जो आपको ट्रायंगल जैसा दिख रहा है इसको आप डेल्टा बोलेंगे, और इसे डेल्टा एस से डिनोट करते हैं।
डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और वहीं अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस होता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा मीटर में ही काउंट या मेजर कर सकते हैं, और डिस्टेंस को हम मीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम नहीं कर सकते। अब डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक ऐसा डिस्टेंस जो किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन, इट मींस कि किसी फाइनल पोजीशन पे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जो मैग्नीट्यूड भी हो जिनमें और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया, जिसमें वैल्यू आती है, इट मींस कि नंबर आता है, एंड डायरेक्शन या तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट और राइट, तो इनमें से कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है एंड कैन बी जीरो, तो ये अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देन नेक्स्ट इज एसआई यूनिट जो होती है डिस्प्लेसमेंट की, वो मीटर होती है। अब मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सबसे पहले ये ग्राफ वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको डिस्टेंस समझाया था, उसमें सेम एग्जाम्पल देखिए, जीरो से लेके टेन तक एक नंबर दे रखा है आपको, एक नंबर्स की लाइन दे रखी है। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स पे मार्क करे हैं, ए बी सी एन डी। अब किसी ऑब्जेक्ट ने जीरो से यानी कि ए पोजीशन जो कि उसकी इनिशियल पोजीशन है, यहां से चलना स्टार्ट किया और वो डी पर गया, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे बीच में नाइन नंबर्स है, टोटल टेन पे लास्ट है, तो इट मीन्स कि इतना डिस्टेंस कवर किया। वहीं अगर डी तक आने के बाद में उस ऑब्जेक्ट ने वापस से चलना स्टार्ट किया और वो बी पर आकर रुक जाए, तो आपसे पूछा जाएगा इसमें इनिशियल और फाइनल को ऑब्जर्व करके बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो अगर हमारा डिस्टेंस होता तो हम यहां से यहां तक 10 और उसके बाद में ये 4 तक आने तक के बीच के सारे नंबर्स को काउंट करते हैं, जो कि 6 नंबर्स हैं। लेकिन अभी हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में हम पीछे का कुछ नहीं देखते, सिर्फ इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल तो यहां से उसने स्टार्ट किया था ए से, और फाइनल हो गया जब बी पे आके वो रुक गया, तो यहाँ पे बीच में कितना डिस्टेंस है, 1, 2, 3 एंड 4 नंबर पे वो है, तो आप क्या बोलेंगे, 4 मीटर। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो यहाँ पे ग्राफ देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो ये डिस्टेंस किधर की साइड हुआ है, ईस्ट की साइड, तो हम बोल सकते हैं 4 मीटर ईस्ट। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। उसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इसमें ये आपको मैंने एक बहुत ही अजीब सी शेप बना दी है। इसमें क्या है, ए से किसी ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया और वो इतना घूम फिर के बी तक आया, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको अपनी क्लासरूम में और ग्राउंड से आने में जो डिस्टेंस लगता है, जब आप ग्राउंड से क्लास में आते हैं तो ऐसे ही घूम फिर के आते हैं। अब इसमें अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये पीछे वाले किसी भी डिस्टेंस को नहीं देखेंगे, सिर्फ पॉइंट को देखेंगे ए और बी के बीच में, ए इज इनिशियल एंड बी उसकी डेस्टिनेशन, इट मीन्स की फाइनल पोजिशन, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें आपका सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा इसका डिफरेंस भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप ऐसे कॉलम बना के एक साइड डिस्टेंस एक साइड डिस्प्लेसमेंट, और जो ऊपर मैंने आपको डिफरेंसेस दे रखे हैं, आप उसमें यहाँ पे इसको लिख सकते हैं और एग्जाम्पल के साथ में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड, और अभी हम इस वीडियो में जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं उसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाएंगे, और मेरी पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्पीड की बात करते हैं, तो एक डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड कभी भी हमारी सिंगल फॉर्म में नहीं निकल सकती है, इसलिए स्पीड का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो मीटर में काउंट होता है एंड टाइम हमेशा सेकेंड में काउंट होता है, तो इन दोनों को मिला के इसकी एसआई यूनिट बनती है विच इज मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और हमेशा पॉजिटिव होती है, स्पीड कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है सेम चीज बट डायरेक्शन के साथ। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल हो पर यूनिट टाइम में,
और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको गिवन हो उस टाइम पे हम वेलोसिटी की बात करते हैं। सो इट इज अ स्पीड विद डायरेक्शन, इसमें भी सेम बात है कि स्पीड होगी बट डायरेक्शन के साथ होगी। और जब कभी भी डायरेक्शन की बात हो जाए तो आप बिना सोचे समझे समझ लीजिएगा ये चीज कि इसमें आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर करते हैं और टाइम सेकेंड्स में होता है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो भी सेम स्पीड के जैसी होगी, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज मैं अभी समझा रही हूँ इनको प्लीज आप एक एक को लर्न करिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब जब हमने स्पीड की बात करी थी तो उस टाइम पे सिर्फ हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर सकते थे, लेकिन जब कभी भी हमारे पास दो या उससे ज्यादा स्पीड्स जब गिवन होंगी तो हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। इट मींस कि दोनों की एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन में टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, एस अपॉन में टी। सेम विद एवरेज वेलोसिटी, जब हमारे पास दो या उससे ज्यादा वेलोसिटी गिवन होंगी तो हम एवरेज वेलोसिटी काउंट करते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टू। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। हेयर इज अ फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू यू प्लस में वी अपॉन में टू। यू इज इनिशियल वेलोसिटी, वी इज फाइनल वेलोसिटी। अभी जो हमने जितने भी इसमें फिजिकल क्वांटिटीज में फॉर्मुलेज पढ़े हैं इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए और इन सारे फॉर्मुलेज को आप पेपर पे एक नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके पास पर्टिकुलर जब आपकी फिजिक्स पूरी खत्म हो तो आपके पास एक फॉर्मुलेज की एक शीट बन जाए नोट्स की फॉर्म में, ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स करें तो आप उस शीट को लेकर बैठे और आपको प्रॉब्लम ना आए। लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, और भी हमने जितनी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं उनके सिंबल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। देन एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब कभी भी टाइम के साथ में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मींस इसमें आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें देखेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्मॉल ए इज इक्वल टू वी माइनस में यू, वी इज फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी और किस केस में नेगेटिव होगी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए जब इनिशियल वेलोसिटी लोअर होती है फाइनल वेलोसिटी से, इट मींस कि इनिशियल वेलोसिटी कम एंड फाइनल वेलोसिटी ज्यादा, तो उस टाइम पे हमारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, यू 10 मीटर, वी 30 मीटर और टी 2 सेकेंड, देन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करके ए निकाला है, और ए आप देखिए यहाँ पे आंसर हमारा पॉजिटिव आया है, यानी कि प्लस में आंसर आया है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। वहीं इसका ऑपोजिट है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इट मींस कि इनिशियल वेलोसिटी हायर होती है फाइनल वेलोसिटी से। इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी u हो गई है, फाइनल वेलोसिटी v। सेम विद एग्जांपल u 20 v 5, आप देखिए यहाँ पे u ज्यादा लिया है, v आपका कम लिया है, और सेम हमने क्या फॉर्मूले में पुट किया, a निकाला, a हमारा यहाँ पे आंसर माइनस में आ रहा है, तो जब आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी ये फाइनल वेलोसिटी माइनस में आई है, तो इट मींस कि एक्सेलरेशन जो है वो आपकी नेगेटिव हो गई। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का एक छोटा सा एग्जांपल था, बाकी न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। देन नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं और डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। एंड एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।